T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build resources. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 1969 की जब अपोलो 11 पहली मर्तबा मून पर उतरा। रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है चाइना की मदद से, यानी ISP यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशन विद द शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान स्पार्को एजेंसी। दोस्तों इससे पहले बहुत से ममालिक ने अपने सैटेलाइट को मून पर उतरवा चुके हैं, तो पहले नंबर उसमें आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 42 सैटेलाइट जो है वो सक्सेसफुली और सेमी सक्सेसफुली मून पर उतर चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है रशिया का, जो पहले USSR कहलाता था लेकिन अभी उसको रशिया कहा जाता है। दोस्तों रशिया के जो है वो अभी तक 22 सक्सेसफुल और सेमी सक्सेसफुल सैटेलाइट मून पर उतर चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है चाइना का। दोस्तों चाइना के 7 सैटेलाइट जो है वो मून पर उतर चुके हैं 2008 से लेकर अभी तक। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इनमें जो पाकिस्तान का सैटेलाइट भी शामिल है। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है इंडिया का, यानी इंडिया के चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया था 2023 में, कहते हैं वो सक्सेसफुली मून पर उतर चुका है। दोस्तों जापान ने अपने 5 सैटेलाइट जो है वो मून पर उनके जो है वो सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है वो इटली और साउथ कोरिया के सैटेलाइट जो नासा और स्पेस एक्स एजेंसी के थ्रू उन्होंने अपने सैटेलाइट को पहली मर्तबा यानी मून पर वो उतरवा चुके हैं। दोस्तों अगर आप इसी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।